देखो फौजी छुट्टी वापिस जा रहा है, बैग है टांग के इतने लोग छोड़ने के लिए खड़े हैं। पीली भी पीला भी पहचानता है। तो वेलकम बैक, और आज के व्लॉग की हम शुरुआत कर रहे हैं सुबह के 10 बजे से। और आज जो मैं हूँ NH 125 में, और आज मैं जा रहा हूँ अपने भाई के ससुराल। साथ में हमारे राहुल भाई। राहुल भाई पहली बार जा रहे हैं ससुराल पहली बार जा रहे हो ससुराल, तो वहाँ जा रहे हैं अभी, देखते हैं वहाँ क्या रहता है और कैसा है ससुराल हमारा। क्योंकि आज से पहले जितनी बार भी गया भाई गया था, मैं कहीं ना कहीं जाना हो गया था जब भी वहाँ इनका कोई प्रोग्राम पड़ा था जाने का उस दिन। और अभी मैं हूँ पापरू के पास में, यहाँ से बहुत सुंदर सा व्यू आ रहा है हिमालय का, पहले वो देखते हैं। जो है दोस्तों हमारे जिया जी की गाड़ी लेके हम जा रहे हैं XUV 300। राहुल भाई चलें फिर, लेट भी हो रहा है, भाई इंतजार कर रहा होगा तुम्हारा वहाँ। गाँव के जहाँ पर वो लास्ट गाड़ी जाती है उस पॉइंट पे हमने पीछे ही पे गाड़ी खड़ी कर दी है। लाल भाई यहाँ पर को तालाब है बहुत प्यारे प्यारे छोटे हैं, यहाँ पर को देखो ये काफी छोटा है, ये ऊपर पे जो है बड़ा है उसको देखते हैं। सुंदर सा तालाब है यहाँ पर, लाल भाई पानी भी बहुत साफ साफ है, मछली दिख नहीं रही इसमें। अब इसमें हम जो है नहाने आते रहेंगे, यहाँ देखो तो क्या सॉलिड लग रहा है, मजा आ गया। और ये ऊपर पे जो दिख रहा है ये हाईवे है, आपको इतना हम कच्ची रोड से आए हैं नीचे, यहाँ पर तक का हमारी गाड़ी खड़ी है। गांव की पतली पगडंडियों से आते हुए राहुल भाई, पानी कैसा है? फोकस कर रहे हैं। तो दोस्त हम पहुंच गए हैं, हम जो है भाई के ससुराल पहुंचे और मच्छी के तालाब चला गया। यहाँ भी ऊपर भी तालाब है, तो अभी इसको फोन कर रहे हैं, फिर तालाब देखते हैं। भैया बहुत मिस किया हमने भैया को। तो अभी हम आ गए हैं अपने भाभी जी के मछली के तालाब में, जहाँ जो है बहुत सारी मछलियाँ हैं, छोटे छोटे तालाब, लंबे लंबे तालाब है, और पानी देखो क्या फोर्स से आ रहा है, ताजे मछली, ताजे पानी की मछलियाँ हैं यहाँ पर। भाभी का पॉली हाउस, धनिया टीपने आई है यहाँ, तोड़ने नहीं आई है, टीपने आई है।
बकरी। रोहित के ससुराल में अमरूद की चोरी, आशीष राय के द्वारा मंदिर समिति के फर्जी अध्यक्ष। ये देखो ये बहुत तेज हो गया है लौंडा हमारा। लौंडा पहले बहुत ढीला था, अब बहुत तेज हो गया फॉरवर्ड। और ये आशीष राय जी हैं, ये देखो अमरूद। आए हुए 2 दिन नहीं हुए हैं इसको यहाँ। और ये देखो सब जंग, ये देखो इसको भी फेंका रखा। यहाँ आओ ना इस, हाँ ये वाला सबसे ज्यादा। हाँ रोहित और राहुल मजाक करते हुए, एक बूढ़ी सी आमा है यहाँ पर जो थोड़ा बोलने में असमर्थ है। दोस्तों दिन का वही रहा है 1, अभी हम ससुराल में आए हैं और यहाँ खाना लग रहा है, फिर उसके बाद मिलाते हैं सास से, साली से, भाभी से, अच्छी से। भाई देखो सोचो बड़ा है और खाना लग गया है यहाँ। ये हमारी भाभी है, खातिरदारी कर रही है हमारी। भाभी सबसे कम मिलाओगे? भाभी सासू माँ से, साली से, ससुर जी से, जेठ जी से। जेठू तो हुए भैया तुम्हारे, बहुत गुस्सा देखो अपने यहाँ ऐसा गुस्सा कर रही है। अभी हमारे ही आना है इसने, अभी हमारे मैंने क्या बोला, मैंने कहा मेरा गुस्सा देख लिया हमने, बहुत हो गया, अभी आना वही है, हम भी दिखाएंगे। हमारी भाभी पेड़ में चढ़ी है अपने छोटे से देवर जी के लिए संतरे तोड़ने के लिए। अच्छा इस वाले में से तोड़ेंगे राहुल भाई। भाभी आप इन्हें तोड़ने पड़ेंगे यार, हमें डांट पड़ जाएगी। अमन नारंगे चोरने चोरने हो अरे बड़े हो। वो एक पानी का धारा है, टोटी आई है पूरी और पानी इसमें 24 घंटे रहता है। और प्रेशर देखो कितना प्रेशर है, पानी की कमी नहीं है यहाँ। जाड़ो गर्मियों में पानी रहता होगा ना यहाँ। ये यह हमारे सास जी हैं, जमाई जी के साथ पता नहीं खुशा भूसी लगी है कान में। क्या बोल, क्या सिखा रहे हो उसको? किसे को नहा जमाई जी सासू के सामने में शरमा रहे हैं, वो पता नहीं क्यों शरमा रहे हैं, घर में तो नहीं शरमाता है। हेलो लल्ला क्या शरमा रहे हो? फौजी छुट्टी वापिस जा रहे हैं, बैग टांगे इतने लोग छोड़ने के लिए खड़े हैं। कब तक है छुट्टी भैया, कब तक खत्म होगी, अब कब आओगे? जैकेट वैकेट टांग के देखो शर्मा भी रहे हैं। उत्तरायणी में आऊंगा। उत्तरायणी में आओगे कौतिक मनाने, एक क्रिसमस? देखो फौजी भाई, लाल भाई कब आएंगे, अब छुट्टी है भैया हमारे, होली मनाने आओगे? अभी अभी पता चल रहा है कि रोहित ने हमें यहाँ क्यों बुलाया था। ये सामने में जो सामान रखा है ये हमने बोकना है नीचे को, राहुल भाई क्यों घर की तरफ को, इसने हमें एज अ लेबर बुला रखा है यहाँ को, लेबर ही करवा रहा ना हमसे, लेबर बना रखा है। वापसी, भाभी और भैया भी हमारे साथ आ गए हैं करौल भाई। और जो है यार 4 बजे शाम का, घर की ओर जा रहे हैं, थकाई बहुत लग गई है। तो इस व्लॉग को अब हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपको कल को
एक नए जोश, नए उमंग और नए कंटेंट के साथ, उत्साह के साथ बने रहिए हमारे साथ। Yes.